कृष्ण भक्ति रसो भविता मति क्रियताम यदि कुतो पिलभति तत्रोल्लोल्यमो विमूल्यमेकलं जन्मकोटि सुकृतोर्न लभति। कृष्ण भक्ति रसो भविता मति क्रियताम यदि कुतो पिलभति तत्रोल्लोल्यमो विमूल्यमेकलं जन्म कोटि सुकृतोर्न लभते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, भक्ति और अभक्ति का अंदर में फर्क क्या है, भक्ति और अभक्ति किसको बोला जाता है। गौड़ीय गोष्ठीपति शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, इंद्रियों जो ज्ञान के इंद्रियों जो अर्थात हमारा जड़ इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध है इसको परित्यग करने का नाम, परित्यग ना करने का नाम अभक्ति। आई बात समझ में। श्री प्रभुपाद जी ने बताए, हमारा जड़ इंद्रिय के द्वारा, हमारा जड़ इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है उसको परित्यग करने का नाम, उसको ना परित्यग करने का नाम अभक्ति। अर्थात अपना जड़ इंद्रिय के द्वारा नापने वाला जो विचार है ये है अभक्ति। और ये जो अभक्ति है ये अभक्ति जो है ये तीन विभाग होके, ये जो अभक्ति है ये तीन विभाग होके अपने आप आगे बढ़ता है। तीन जो खात है, तीन डीच है, डीच मतलब खात, तीन डीच का अंदर से प्रवाहित होता है। एक है अन्नाभिलाष, दूसरा है कर्म, तीसरा है ज्ञान। ये तीनों डीच खात इसके द्वारा प्रवाहित होने वाला है अभक्ति। अपना सुविधा का ध्यान रखना, अपना सुविधा का ध्यान रखना, जड़ शरीर जड़ मन और जड़ मन जड़ शरीर के द्वारा जो जितना सारी चीज जुड़ा हुआ है, जड़ शरीर जड़ मन सबके साथ जो संबंधित है, ये अपना सुविधा का बारे में सोचना, अपना सुविधा का बारे में सोचना और औरों का सुविधा भी करने का प्रयास, इसका नाम है कर्म। अपना सुविधा और औरों का सुविधा का करने का जो प्रयास प्रचेष्टा, इसका नाम कर्म है। और सुविधा भी नहीं करेंगे और असुविधा भी कुछ नहीं करेंगे, निरपेक्ष रहना चाहता हूं, अगर ऐसा विचार है, अपना भी सुविधा ना करें औरों का भी सुविधा ना करें, या निरपेक्ष रहने का जो विचार है इसका नाम है ज्ञान, इसका नाम है ज्ञान। कर्म त्याग आदि ज्ञान का शुष्क सूखा ज्ञान का यही विचार है, सूखा ज्ञान का ये विचार है। और इंद्रियों जो ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध जो ज्ञान है और निर्विशेष ज्ञान, ये दोनों को परित्यग करके अदक्ष जो वस्तु से हरि का
वही कांतिक इंद्रियो तोषण करने का प्रयास प्रचेष्टा है भक्ति। भुक्ति और मुक्ति से, भुक्ति और मुक्ति का जो, भुक्ति और मुक्ति का जो प्रभाव है, भुक्ति और मुक्ति का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, इनसे बाहर जाना पड़ेगा। अर्थात भुक्ति और मुक्ति से मुक्ति लाभ, भुक्ति और मुक्ति से मुक्ति लाभ, माने मुक्ति से भी मुक्ति लाभ, भुक्ति और मुक्ति से, अर्थात भोग और मुक्ति से मुक्ति लाभ नहीं करने से भक्ति का भूमिका प्रारंभ नहीं होता। भक्ति का जो भूमिका है ये परम नहीं होता, ये परम नहीं होता। जन्म जन्म इंतजार करने से भी एक बूंद शुद्ध भक्ति मिलना बहुत कठिन है, वाकई असंभव है। फिर भी शुद्ध परिवेश का कृपा के द्वारा क्या कुछ नहीं संभव है, शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा क्या कुछ नहीं संभव है, हर कुछ संभव है। भक्ति ऐसा एक चीज है जो बाजार में मिलता नहीं। भक्ति मिलने का एक ही रास्ता है, भक्तों से ही भक्ति मिलता है, और दूसरा जगह मिलना संभव नहीं। यही व्यवस्था भगवान का है, भक्तों से भक्ति मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज, और कृष्ण भक्तिर जन्ममूल, कृष्ण भक्तिर जन्ममूल है साधु संग, कृष्ण भक्तिर जन्ममूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का जन्ममूल है साधु संग, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। और फिर साधु संग सर्वशास्त्र कहे, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। मैंने जारा स्वामी लव मतलब एक सेकंड को 11 भाग करके, एक सेकंड समय को 11 भाग करके एक भाग समय जो है इसका नाम है लव। इतनी सी टाइम समय लव मात्र तो साधु संग सर्वसिद्धि है, मतलब इतनी सी टाइम साधु संग हो जाए तो सर्वसिद्धि होता है। सर्वसिद्धि का मतलब भक्तिमन ठाकुर जी ने लिखा है अमृत प्रभा भाष्य में, सर्वसिद्धि मतलब भक्ति सिद्धि, प्रेम भक्ति तब लाभ होता है, सब कुछ संभव है। श्री सच्चिदानंद भक्तिमन ठाकुर जी ने बताए जैव धर्म में, ये वाराणसी का एक मायावादी आचार्य जो है 10,000 से भी ज्यादा शिष्य का गुरु है, इन्होंने एक दिन गंगा का किनारे अपना छोटी सी भजन कुटीर में बैठ के भजन कर रहे थे। भजन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि भजन मतलब सेवा, भज धातु, तो क्या करे, कौन सी शब्द यूज करे, इसीलिए यूज किया। मायावादी के लिए तो भजन नहीं बोला जा सकता ना, क्योंकि भजन तो भज धातु से होता है, सेवा से, उन लोगों को सेवा तो है नहीं,
इसलिए ऐसा जो भी है अपना भजन से आप अपना भजन कुटी से बैठकर अपना संप्रदाय का क्रिया कर्म कर रहे थे और क्या कह रहे। इतने में एक शुद्ध भक्तों महाप्रभु का कीर्तन करते करते लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदु ऐसा कीर्तन करते करते कभी लड़खड़ा कर गिर जाते थे और कभी उठ के फिर चल देते और करताल ठोक के कीर्तन करते करते आगे बढ़े। इस समय मायावादी सन्यासी जो गुरु है इन्होंने देखा हरे एक अच्छा खासा संत है, आंसू बहा रहा है आंखों में भगवान का नाम से, अरे इनसे मिलना चाहिए। नहीं नहीं मिलने जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर का कोई अगर देख ले तो अच्छा नहीं ना, ना 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 दर्शन करना जरूरी है, ऐसा संत मिलता नहीं। ऐसा करके अपना कुटीर में अपना मायावादी ये गुरु अपना कुटीर में बैठकर सोच रहे थे। इतने में ये वैष्णव किसी गली में घुस गया होगा और बाहर में जब निर्णय लिया कि हमको देखा करना चाहिए, तो ये वैष्णव और देखा नहीं गया, कहाँ घुस गया कौन जाने। लेकिन ये जो शुद्ध वैष्णवों का पुकार है भगवान का नाम लेके, भगवान का जो शुद्ध भक्तों का दर्शन है इनके मुखारविंद से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद, ये जो भगवान के नाम और अंदर में थोड़ा श्रद्धा पैदा हुआ इमावादी। बाद में वैष्णव तो मिला नहीं, लेकिन ये जो शुद्ध वैष्णव का मुखारविंद से हरिकथा श्रवण और इनके लिए थोड़ा अट्रैक्शन, इनके सेवा मतलब इनको दर्शन करने के लिए, संभाषा करने के लिए, आगे जाने के लिए, उनके नज़दीक जाने की जो इच्छा, ये दोनों बड़ा प्रभाव फैलाया इनकी जिंदगी में। इन्होंने अंतिम निश्चय ले लिया नवद्वीप जाना जरूरी है, क्योंकि उस समय जैव धर्म का जो समय बताया गया उस समय श्रीमन महाप्रभु का नाम फिर भी वाराणसी का आदमी जानते थे, अब तो भूल गया होगा, प्रीचिंग प्रचार नहीं है, जो भी ये दो एक मठ है अपना खाता है सोता है, कुछ नहीं प्रचार। जाओ कहाँ प्रचार है, लखनऊ है, नैमिष क्षेत्र है, हैं सारे प्रभुपाद का मंडल की प्रचार कहाँ है, वाराणसी में भी है क्या प्रचार कहाँ है, कुछ नहीं, खाओ पियो आए आराम करो बस हो गया। ऐसा करते करते ए वैष्णव का दर्शन ए मायावादी आचार्य गुरु के लिए एक फायदादायक हो गया, फायदा दिया। इन्होंने सब छोड़कर नवद्वीप धाम आ पहुँचे, उनको रहा नहीं गया, उन्होंने तुरंत नवद्वीप धाम को आ पहुँचे, क्योंकि उस समय नवद्वीप धाम चैतन्य महाप्रभु नाम वाराणसी में भी बहुत चर्चा हुआ करता था, लेकिन आज तो हो गया। अब नवद्वीप आया, गंगा में नहा लिया, चैतन्य महाप्रभु जिस गंगा में संतरण किया, मजाक किया, बचपना किया, और फिर वैष्णव वो सब कोई को पूछते पूछते
ये हमारा बाबा जी महाराज जी हैं, इनके पास आ गया परमहंस बाबा जी महाराज, इनके पास आ गया, आके वैष्णव के साथ दर्शन स्पर्शन आलिंगन प्रसाद भोजन आ बाबा जी महाराज का कृपा प्राप्त होके ये बाद में परम वैष्णव हो गया, परम वैष्णव हो गया, इतना बड़ा हो गया। पहले तो विद्वान तो था ही था, मायावादी तो विद्वान मतलब जड़ो विद्वान रहता ही है, शास्त्रों का अनुभव नहीं है, फिर भी बाद में ये बड़ा वैष्णव बन गया। अतः लवमात्र तो साधु संग सर्वसिद्धि है, ये बात झूठा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठा नहीं, ये सच्चा बात है। लवमात्र तो साधु संग सर्वसिद्धि है, ये एकदम पक्का बात है, ये झूठा बिल्कुल नहीं है। श्रीला सच्चिदानंद भक्तिवेन ठाकुर जी ने बताए भगवत राज्यों का जो प्रेम है ये इतना सुदुर्लभ है, ये इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कृष्ण प्रेम सुदुर्लभ, ये मिलना बहुत मुश्किल है। हर कुछ मिलता है, मिल सकता है, लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल है। भक्ति में ठाकुर जी ने बताया चैतन्य शिक्षा में जो प्रेमी भक्त है, प्रेमी भक्तों का साथ संयोग होना, इनके कृपा प्राप्त करना, ये बड़ा सुदुर्लभ है। क्योंकि महत्संग तो बहुत सुदुर्लभ, और महत्संग का जो विशेष है, महत्संग का जो विशेष है, महत्संग का कुछ विशेष है, ये प्राप्ति होने से हरि भक्ति मिलता है, प्रेम मिलता है। प्रेम इट इज लाइक कंटेजियस डिजीज, ये संक्रामक व्याधि जैसा है। भक्तिवेन ठाकुर जी ने बताया जिन्होंने कुछ ऐसा संत महात्मा का सेवा कर दिया जिनका अंदर में प्रेम भाव है सब कुछ, आबा साधु का थोड़ा सा सेवा हो गया, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है, मतलब ये असंभव होने से भी संभव हो जाता है, ऐसे ही संभव हो जाता है, असंभव कुछ नहीं। भक्तिवेन ठाकुर जी ने बताए दो बादल का खंड है, बादल मतलब मेघ, बादल का दो टुकड़ा एक दूसरे के पास आ गया, टुकड़ा नहीं बोलने से बादल, दो बादल मेघ धीरे धीरे एक दूसरे का पास आए, और दोनों का अंदर में जो संघर्ष है इसके द्वारा इनका ये दोनों मेघों का अंदर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैलेंस हो जाता, एक लाइटनिंग विद्युत चौंकता है, बिजली बिजली चौंकता है, उसका बाद साउंड सुन साउंड शब्द सुना जाता है। भक्तिवेन ठाकुर जी ने बताए ऐसा ही किसी प्रेमी भक्तों का पास में आने से, अगर कोई बुरा धंधा लेके जाए तो अलग है, ये तो होगा नहीं, लेकिन इनका पास पहुंचने से थोड़ा सा सेवा करने से कॉन्ट्रैक्ट आने से बिजली जैसा है, एक दूसरे का साथ पोटेंशियल डिफरेंस को मेकअप कर देता, तो ये थोड़ा सा ये प्रेमी भक्तों का संग होने से हमारा अंदर में भी ये
बीमारी अर्थात कृष्ण प्रेम रोग, प्रेम नामक व्याधि, प्रेम रोग फैल जाता है। कृष्ण भक्ति रसो भविता मत ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्रो लोल्लमोपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृत्वैर न लभ्यते। हम लोग पिछले दिन चर्चा करते हुए आया श्री ब्रह्म संहिता का 37 नंबर श्लोक, जिस श्लोक को लेके बहुत लफड़ाबाजी चल रहा है पूरा दुनिया में उल्टा सीधा। ये क्या है? आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थाविर जो एवं निज रूपतया कला भी गोलोक एवं निवसती अखिलात्म भूतो गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजाम। ये श्लोक का चर्चा। यह अखिलात्म भूतो जो निखिल आप्तवर्गो का आत्मस्वरूप है, ऐसे तो भगवान हर कोई के हृदय में है ही है। यह अखिलात्म भूत, अखिलात्म भूत बोलने से और एक भी माने होता है ऑल परवेडिंग ईश्वर, भगवान सर्वत्र विराजमान है। अखिलात्म भूत तो मतलब हर जीवों का, चाहे वे कुछ भी हो, हर जीवों का अंदर में भगवान का रहना, परमात्मा रूप, परमात्मा के रूप में रहना स्वाभाविक है। इसलिए अखिल जो अखिलात्म भूत हो यह माने लिया गया स्पेशल, जो निखिल प्रिय वर्गों का आत्मस्वरूप है ब्रजवासी का। आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी, आनंद चिन्मय रसो मतलब उज्जवल नमक जे परम प्रेममय रस, ये है जिसका बारे में रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने लिख दिया। क्या लिखा? व्यतीत भावना वत्मो जस चमत्कार भारभू हृदय सत्योज्जले वारम सद्वते सरसमता। क्या बताया? व्यतीत भावना वत्मो यश चमत्कार भारभू हृदय सत्योज्जले वारम सद्वते सरसमता। इसका नाम है रस है। तो ये आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी, इसका मतलब है उज्जवल नमक जी परम प्रेममय रस के द्वारा जाता माने उत्पन्न हुई, उत्पन्न भाई निज रूपो तया मतलब, निज रूपो तया मतलब शकिया भावे वर्तमान अपना ही अंतरंग शक्ति अपना ही। इसका बारे में बहुत सारे तर्क वितर्क छेड़ जाता है बहुत सारे, इसका समाधान आज हो जाएगा। निजर्वोत्तया एव माने स्वकिया भाव में वर्तमान लादिनी शक्ति रूपा जो श्रीमती राधा रानी, जो राधा रानी है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा रानी। इसका बारे में भागवत महिमा ग्लोरिफिकेशन स्कंद पुराण का यहाँ लिखा गया स एवोषा जो स एवोषा अर्थात यही स एवोषा अर्थात जो राधा रानी है, जो स मतलब जो कृष्ण है वही राधा सा, इसमें अलग सा कुछ नहीं। जब हम जब भगवान का ही अंतरंग शक्ति है, ध्यान दे इस बात पर, जब भगवान का ही अंतरंग शक्ति है, भगवान का साथ रहता है, भगवान का साथ रहता है ये जो शक्ति है, इसको पर क्या बोलना कैसे संभव है? जो एकदम
शौकिया तो है ही है, शौकिया तो है ही है 100%, जितना सारे गोपी हैं राधा सब शौकिया, लेकिन परकिया भाव परमानेंटली विराजमान वृंदावन भगवान का एक अजीब सी लीला है। ये शौकिया तो है ही है भगवान का, लिए सच पूछो, सच पूछो तो, सच पूछो तो भगवान के लिए परकिया है ही नहीं। सच पूछो तो भगवान के लिए परकिता परकिया बाप तो है ही नहीं, फिर भी है। कैसे है इसका बारे में चर्चा करेंगे। सो आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी उन्नत उज्जवल नामक जो परम परम प्रेममय रस इनके द्वारा जापा माने उत्पन्न हुई निजोरूपतया शौकिया भाव में विद्यमान आदरणीय आदि सब ताभी कला भी अर्थस्मती राधारानी और इनके जो काव्य है कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को अनंत रूप से सेवा करने का जो वाहन वे इच्छा है ताभी कला भी मतलब श्रीमतीर काव्य रूप सखीगणों के द्वारा परिवेष्टित गोलोक एवं गोलोक में ही निवसती बास करते रहते भगवान स्वयं। ये जो भगवान विराजमान रहते हैं यही आदि पुरुष गोविंद का चरण कमल में मेरा प्रणाम रहा। अभी आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थाविर जो एव निजुर्पोत्तया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस कतिक आनंद चिन्मय रस का द्वारा प्रतिभाविता सीओ चिद रूप का अनुरूपा चतुष्षष्टि कला युक्ता लादिनी शक्ति रूपा राधा उत्तत्कायभो के द्वारा कायभो रूपा सखीगणों के साथ जो अखिलात्मभूत गोविंद नित्य स्वयं गोलोक धाम में बास करते हैं यही आदि पुरुष को मैं नमन करता हूँ। शक्ति और शक्तिमान एकात्मो एकीभूत होने के बावजूद लादनी शक्ति कत्तिक राधा ओ कृष्ण रूप में पृथक पृथक होके नित्य अवस्थान ये बड़ा अजीब सी बात है। शक्ति शक्ति मतोर अभेद होने से भी जो अलग सा एक अलग सा एक जो व्यवस्था कर लेते हैं भगवान राधा गोविंद युद्ध भी एक है और ये लादिनी और चित्त शक्ति वह में अचिंत सिंगर रस वर्तमान है। इसी रस के द्वारा विभाव विभावितो बोला आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी भावितो बोला है इसी विभाव के द्वारा विभावितो होके अखिलात्मभूत भगवान विराजमान रहता है लीलायमान रहता है। ये रस का विभाव दो किस्म का है आलम्बन उद्दीपन। आलम्बन भी दो किस्म का है आश्रय और आश्रय और विषय। आश्रय स्वयं राधिका रानी और तार कायभ हो एवं विषय स्वयं कृष्ण।
कृष्ण ही गोलोकपति गोविंद, कृष्ण ही गोलोकपति गोविंद है, इसी रस के प्रति भावितो ये जो आश्रयी गोपीगण रस का प्रतिभाविता भी जो बोले ये गोपीगण, ये लोग का साथ भगवान नित्य लीलायमन रहता है, लीला परायण रहता है गोलोक में कृष्ण नित्य लीला। निजरूपतया अर्थात लादिनी शक्ति वृत्ति प्रकटित प्रकटितो रूपिणी कला सकल का साथ, कला भी मतलब चतुष्षष्टि कला है, चतुष्षष्टि कला तो है ही है, लेकिन भगवान का सेवा के लिए अनंत ब्रह्मांडो तमाम जो सृष्टि का जो कुछ भी है जो कोई भी है ये सारे भगवान का सेवा के लिए ही है। तो चतुष्षष्टि कला का अंदर में नित्यो गीत वाद्यो नाट्यो 64 किस्म का कला जो भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि का पास गया, वहां 64 दिन में 64 विद्या आयत्त किया, 64 दिन में 64 दिन में 64 किस्म का विद्या आयत्त किया, ठीक है। संदीपनी मुनि उज्जैनी, कृष्ण बलराम उज्जैनी में पहुंचा, उज्जैनी में गया, उज्जैनी में जाके गुरु जी का आश्रम है संदीपनी मुनि, वह आश्रम में रहकर 64 कला 64 दिनों में आयत्त किया। कला भी ताभी कला भी मैंने कैसे भी हो भगवान को रिझाने के लिए संतुष्टि विधान करने के लिए सब एकदम एकत्रित होके खड़ा रहती है समस्त निज रूपतया कला भी। ये समझना बड़ा कठिन है फिर भी सहज है, गुरु वैष्णव का अनुगत्व में रहे तो अच्छा है। ये 64 किस्म का जो विद्या है मूर्ति होकर, ये 64 किस्म का जो विद्या है ये मूर्तिमती होकर रसोपकरण रूप में गोलोकधाम में नित्य प्रकट एवं जर जगत में चित्तोक्ति योगमाया के द्वारा ब्रजलीला का प्रशस्त रूपे प्रकटित हुआ है। इसीलिए श्री रूप जी ने लिखा है सदानंतोई प्रकाशई स्वैर लीलाभिश्च स दिव्यती तत्रैकेन प्रकाशेन कदाचित जगदंतरी। भगवान नित्यधाम, अपना नित्यधाम गोलोकधाम में नित्य विराजमान रहता है और कृष्णो भावानुसार लीलाशक्ति और तोदियो परिकर गण को भी इसी भाव के द्वारा विभावित तो कर देते हैं। भगवान का ये अनोखा शक्ति है, जो सब लीला प्रपंच गोचर होता है इसका नाम है प्रकट लीला, और कृष्ण का समस्त लीला ही प्रपंचों का अगोचर अप्रकट रूप में विराजमान है। समस्त लीला प्रपंचों का अगोचर समस्त लीला
प्रकट प्रपंच का गोचर होता है, इसका नाम प्रकट लीला। और फिर ऐसा मापी कृष्ण का जो सब लीला प्रपंच गोचर होता है प्रकट लीला, और इसी मुताबिक कृष्ण का समस्त लीला ही प्रपंच का समस्त लीला ही प्रपंच का अगोचर अप्रकट रूप में गोलोक धाम वृंदावन में नित्य विराजमान है। प्रकट लीला में कृष्ण गोकुल में विहार करते हैं, मथुरा में, द्वारका में, तीनों जगह गोतागोती। ये समस्त लीला जो है वही स्थानोत्रय तीन जगह पे अप्रकट ताचित धामे वृंदावन आदि स्थाने प्रकट रहता है। ये सब सिद्धांतों वाक्यों में ये सब सिद्धांतों वाक्यों के द्वारा ये समझा जाता है, ये सब सिद्धांतों वाक्यों के द्वारा यही समझा जाए ये प्रकट लीला और अप्रकट लीला में कोई भेद है नहीं। प्रकट और अप्रकट लीला में कोई भेद है नहीं। इसी श्लोक का टीका में उज्जवल टीका में एवं कृष्ण संदर्भ श्लोक का टीका में कृष्ण संदर्भ आदि थे, कृष्ण संदर्भ आदि इस ग्रंथों में प्रकट लीला जोगमाया कृतो, प्रकट लीला जोगमाया के द्वारा जैसे रास क्रिया का पहले भगवान बताया था जोगमाया आश्रय लेके किया। सो ये सब सिद्धांत वाक्य के द्वारा यही जाना जाता है, यही समझा जाता है जो जो समस्त लीला स्थानोत्रय अर्थात मथुरा एक वृंदावन, मथुरा द्वारका वृंदावन स्थानोत्रय में अप्रकट, ये सब लीला वही स्थानोत्रय में अप्रकट भूमिका में रहता है। ये सब जब चित धाम में वृंदावनादि स्थान में प्रकट होता है, ये सारे सिद्धांत वाक्यों से ये समझा जाता है जो प्रकट लीला और अप्रकट लीला में कोई भेद नहीं है। जीव गोस्वामी पाद जी ने लिखा है जो श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने लिखा है कृष्ण का प्रकट लीला जोगमाया कृतो माइक धर्म संबंध में संश्लिष्ट माइक धर्म संबंध में संश्लिष्ट रहने से इनमें माया प्रत्यायितो माया का द्वारा प्रतादित प्रतारित होने वाला कुछ फैलासी कुछ ऐसा कुछ क्रियाक्रम दिखाई पड़ता है जो आप हैरान की बात है। माइक संबंध के द्वारा संश्लिष्ट रहने से बाहरी विचार में इनमें माया प्रत्यायितो माया के द्वारा प्रत्यायितो कुछ कार्य देखा जाता है जो स्वरूप तत्व में बिल्कुल नहीं है। जैसे कोई पागल हो गया विषय के पीछे, हमको चाहिए हम बिना दारू मर जाएंगे, ये जो विचार है ये जड़बद्ध अवस्था में विचार है। स्वरूप तत्व में ये सब इच्छा वही जब संबंध धर्म माइक धर्मंदो माइक माइक धर्म संबंध संश्लिष्ट रहने से इसमें माया के द्वारा प्रभावित
माया के संबंध में संशय रहने से माया के द्वारा प्रतारित, माया के द्वारा प्रतारित कुछ कार्य जो ऐसा दृष्ट होता है वो क्या है ना स्वरूप तत्व में जो नहीं है वही दिखाई पड़ता है। जथा असुर संहार लीला, जथा असुर संहार लीला आदि जो है ये नित्य गोलोक धाम में रहना संभव नहीं। असुर संहार परोदार संग्रह ये जो बाहरी विचार में दिखाया जाता है, जन्मादि लीला ये जो है ये गोलोक धाम वृंदावन में कैसे संभव है? नित्य, लेकिन लीला नित्य है। लीला कैसे नित्य है, कैसे नित्य है? महाप्रभु जी ने जो सनातन को समझाया है लीला कैसे नित्य होता है, भले हर ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड में कोई न कोई जाएगा, अभी का एक सेकंड ये अभी जन्म लीला होता है। किसी ब्रह्मांड ऐसा भी है जिसे अभी क्षण, इसी क्षण में अभी रासलीला चल रहा है, नौकाभिलास चल रहा है। किसी हर ब्रह्मांडों में किसी न किसी जगह अनंत ब्रह्मांड चलता है। तो अनंत ब्रह्मांडों में एक एक जगह अगर जन्म लीला का प्रमाण हो जाए तो ये नित्य हो जाता। आलात चक्रवात, महापुरु जी ने बोला आलात चक्रवात रहने से पता नहीं चलेगा, हर लीला नित्य का। नित्य लीला नित्य ऐसे होता है, लेकिन असुर संहार लीला परोदार संग्रह का जो ये सब लीला है, भगवान आश्चर्य अभूतपूर्व चिन्मय लीला परोदार ग्रहण का ये जो प्रसंग दिखाए, ऐसे तो भगवान के लिए कोई परोदार है ही नहीं, फिर भी जन्मादि ये स्वरूप तत्व में नहीं है, अर्थात गोलोक धाम बिंदा में नहीं, हर जगह है, अनंत ब्रह्मांड में किसी न किसी जगह है, इसीलिए नित्य है। आई बात दोदीप जैसे दाम बंधन लीला, अभी किसी ब्रह्मांड में दाम बंधन लीला चलता है। सिर्फ दाम बंधन लीला नहीं, दाम बंधन लीला अभी कृष्णो मोटकी ये जो जिस मिट्टी का घरे पे सारे डालकर घी और माने दही डालकर जो घी निकालना है, मक्खन निकालना है, ये जो प्रोसीड्योर है, ये जो पद्धति है, इसके द्वारा दही मंथन लीला जशोमती मैया कर रही है और गोपाल दाम बंधन। तो दाम बंधन का एक एक पल का जो लीला है, मतलब अभी यशोदा मैया ने गोपाल को बांध ली, गोपाल ये जो बांध ली ये भी नित्य है, किसी न किसी ब्रह्मांड में बांध रहा है। गोपाल ने धीरे धीरे आगे बढ़ने का कोशिश की, जैसे आप समझा नहीं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में सारे एक एक करके फिल्म करके फिर जोड़ देता है, इसका हर पल का कार्टून फिल्म भी ऐसा होता है। कार्टून में जो आगे बढ़ता है एक एक पदक्षेप का एक एक छवि सब जोड़ के कार्टून फिल्म होता है। भगवान का हर लीला नित्य ये है, ऐसे ही है दाम बंधन, फिर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का भी एक एक पल का, अभी इधर अभी उधर जा रहा है, फिर ये जो दो वृक्ष है जमाल अर्जुन इनके बीच में से निकल जाना और उदुखल को इसमें फंसा देना, इसके बाद खींचना, इसके बाद दो प्राचीन वृक्षों का पतन हो जाना, सारे एक एक पल भर का
एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का लीला सब एक एक ब्रह्मांडे हो रहा है। इसीलिए महापूज ने उदाहरण दिया जैसे आलात चक्रपात, आलात चक्रपात मैंने वो दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसा फास्ट सब ब्रह्मांड। सो असुर संगार लीला दार संग्रह जन्मादि ये अपना स्वरूप तत्व में अतः गुरुघन नहीं है। लेकिन जब वृंदावन का वृंदावन में प्राकट्य लीला होता है भगवान श्री कृष्ण का इच्छा करके तो ऐसा तो नित्य है ही है स्वरूप तत्व। लेकिन गोपीगण जो है ये कृष्ण का 100% स्वरूप शक्तिगत तत्व, ये तो मिनिमम ये इसका बारे में जानकारी होना चाहिए। ये जो गोपीगण है ये कृष्ण का स्वरूप शक्तिगत तत्व, सो ये लोग सखिया 100%, ये तो सखिया ही है। भगवान के लिए तो कोई पढ़ाई है ही नहीं। लेकिन इन लोगों का परोदारत्व कैसे वो लोग परोकिया भाव हो गया कृष्ण के अंदर में। जीव गोस्वामी पाद जो लिखा है जीव गोस्वामी पाद का जो सिद्धांत विचार है बहुत आदमी ये बिना समझे सोचे समझे जीव गोस्वामी पाद को उल्टा सीधा बोल देते हैं, अपराध कर बैठते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। ये लोग बोलते हैं जीव गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद सनातन से अनुगत तो बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले जीव गोस्वामी पाद ने स्वकीय स्थापन किया और सनातन रूप तो हर वक्त परकिया का भाव में बताए तो जरूर ये अनुगत तो नहीं किया। ये उल्लू का पट्टा है, कुछ समझता ही नहीं। जीव गोस्वामी पाद हम लोगों का तत्वाचार्य, भक्ति मोटर कह रहे जीव गोस्वामी पाद हम लोगों का तत्वाचार्य है। सो श्री रूप सनातन का शासन गर्भ में, श्री रूप सनातन का कठोर शासन गर्भ में अवस्थित रहकर इन्होंने सारे विचार बताया। इससे भी बढ़कर एक विचार है जो कृष्ण लीला में इनके एक मंजरी स्वरूप है, विलास मंजरी। कृष्ण लीला एक मंजरी विलास मंजरी। सो जो कुछ भी तत्व है ये जीव गोस्वामी पाद का अंदर में है ही है। जीव गोस्वामी पाद के द्वारा कोई गलती होना संभव नहीं है सही ढंग से। जीव गोस्वामी पाद सारे तत्व जानते हैं, इनके आशय इनके हृदय में एक बड़ा करुणा प्रकट भई। इन्होंने सोचा कि खमाखा आदमी लोग तर्क वितर्क करके रासलीला वसरणी सब उल्टा सीधा गंदगी फैला रहा है, इसीलिए पाखंडी आदमी कुछ बोल ना सके, इसलिए शास्त्रों का प्रमाण का मुताबिक जीव गोस्वामी पाद पक्का प्रमाण दिया कि ये सकिया है। एक श्रेणी में मंजरी है। सो सारे तत्व इनके इनके फिंगर जो सो इनके सारे जो है तत्व इनका पता है। जीव गोस्वामी पाद का मन का भाव बिना सोचे समझे कोई आदमी उल्टा सीधा पक्ष विपक्ष में लड़ाई लग जाते हैं, तर्क वितर्क हो जाता है। लेकिन तर्को अपदिष्ट सुतयो विभिन्न न सौ मुनिजस्वतम न भिन्नम धर्मस्व तत्वम नीतो गुहायम महाजनो येनो गतो सपन्ता है। ये तर्क वितर्क फैलाता है।
श्री रूप सनातन का विचार का अनुसार प्रकट लीला अप्रकट लीला परस्पर अभेद, जो प्रकट लीला है वही अप्रकट लीला, अप्रकट लीला भी अगर लीला परस्पर अभेद। केवल एक चीज विशेष है, ये प्रपंचातीत प्रकाश गोलोकधाम विद्या में प्रपंचातीत, और दूसरा है ये प्रपंच अंतर्गत अंतर्गत। यद्यपि प्रपंच का अंतर्गत तो दिखाई पड़ता है मथुरा वृंदावन, प्रपंच का अंतर्गत तो दिखाई पड़ता है, फिर भी इतना ही और कुछ नहीं। प्रपंचातीत तो प्रकाश में दृष्टि दृष्टोगत तो संपूर्ण विशुद्धता रहता है, समझा नहीं। प्रपंचातीत तो जो गोलोक धाम में वहां कोई माया का एंट्री नहीं है, उसमें नापने वाला विचार नहीं रहता है। प्रपंचातीत तो प्रकाश में दृष्टा दर्शन दृश्य ये जो है, इस सारे विषय में एक प्यूरिटी है, एब्सोल्यूट प्यूरिटी। प्रपंचातीत तो प्रकाश में दृष्टि दृष्टोगत संपूर्ण विशुद्धता प्यूरिटी रहता है। अहो भाग्य से बहु भाग्य होने से जो व्यक्ति प्रपंच संबंध परित्याग पूर्वक चीज जगत में प्रविष्ट होता है, बहु भाग्य के द्वारा कृष्ण कृपा होने से जो प्रपंच संबंध परित्याग पूर्वक चीज जगत में प्रविष्ट होते हैं, आबार यदि अगर इनके साधन कालीन रस वैचित्र्य में वैचित्र का आस्वादन सिद्धि ऑलरेडी हो गया, अगर तो आस्वादन सिद्धि साधन कालीन रस वैचित्र का आस्वादन सिद्धि हो गया होगा तो फिर वो गोलोक का जो संपूर्ण विशुद्ध लीला दर्शन वो आस्वादन करने में समर्थ है। बाकी आदमी के लिए वृंदावन इस जड़ जगत में है, दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर है, ये सब पड़े और इच्छा करके भगवान प्रपंचातीत वस्तु को प्रपंच में लाया है, ये हैरान की बात है कैसे लाए हैं भगवान, इच्छा करके हम लोग का वर कृपा बरसाने के लिए लाए हैं। तो इस जगत में जो वृंदावन गिरिराज महाराज जमुना मानसी गंगा ये सब दिखता है, तो बाहरी दृष्टि में एज इफ इट इज कंटेमिनेटेड विथ मैटर, अर्थात जड़ जगत का साथ लगता है एक ही है, लेकिन असली बात ये है कि जड़ जगत का साथ इसका कोई ताल्लुका है ही नहीं। फिर भी बाहरी विचार में लगता है कि प्रपंचातीत तो प्रत्यय विश्वास होता है, थोड़ा बहुत गिरिराज वहां है, सारे दोष दर्शन थोड़ा बहुत हो जाता है। क्यों? ये जड़ जगत में है, ये जगत में वर्तमान होने से भी ये प्रपंचाती तो है, फिर भी क्या करें। ऐसा मापिक पात्र सुदुर्लभ है, और जो प्रपंच में वर्तमान होके भी भक्ति सिद्धि लेकर कृष्ण कृपा के द्वारा चित रस का अनुभूति लाभ ऑलरेडी किया है, इन्होंने भौमो गोकुल लीला में इसी गोलोक लीला देखने में समर्थ है, अर्थात इनके लिए गोकुल में गोलोक दर्शन, गोलोक में गोकुल दर्शन, लेकिन बाकी आदमी के लिए संभव नहीं। स्वरूप सिद्धि का हेर फेर तारतम्य के अनुसार स्वरूप सिद्धि का हेर फेर थोड़ा वैचित्र तरतम्य स्वरूप सिद्धि का तारतम्य
लेकर स्वरूप दर्शन का भी तारतम्य अर्थात टेस्ट का डिफरेंट हो जाता है। भक्तों का गोलोक दर्शन में भी तारतम्य हो सकता है, उसका पोजीशन तारतम्य है, उसका टेस्ट का तारतम्य है। इसीलिए वस्तु सिद्धि ना होने तक, जब तक ये तो स्वरूप सिद्धि, वस्तु सिद्धि ना होने तक ये गोलोक लीला दर्शन में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा माइक प्रतिबंध रहता है, लगता है कि मिलावटी लगता है। फिर स्वरूप सिद्धि का तारतम्य का अनुसार, स्वरूप दर्शन का भी तारतम्य अनुसार, भक्तोदिगो का गोलोक दर्शन का भी तारतम्य अवश्य स्वीकार करना जरूरी है। नितान्तो मायाबद्ध व्यक्तिगण भक्ति चक्षु शून्य, इनके बीच में कोई कोई केवल माया विचित्रता है आबद्ध, कोई कोई वा भगवत बहिर्मुख ज्ञान आश्रय में चरम नाश का प्रत्याशी, ये लोग भगवान का प्रकट लीला देखने से भी ये लोग का निकट प्रकट लीला का अप्रकट संबंध शून्य केवल जोरिय प्रतीतिर उदय है मात्र। लेकिन तो एक उदाहरण दे दे, जैसे चापाल गोपाल ने इतना हरकतें की, क्या चापाल गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्थात गौरांगों को देखा नहीं? निमाई को, एक ही गांव का है, एक ही जगह का है, नवद्वीप का महाप्रभु को देखा है, और शिवास पंडित को भी दिखा है, देखा नहीं? देखा तो जरूर है। अच्छा, ये तो विरुद्ध विषय है, एक अनुकूल विषय का उदाहरण दे दे, जैसे थोड़ केले का फूल ये सब बेचने वाले जो सीधर खुलावे था, सीधर ये जो सीधर है ये बहुत गरीब है, फूटा टूटा एक एक झोपड़ी में रहते थे और हर वक्त हरिनाम संकीर्तन करते थे, नाम पूरा रात को जगकर, और गंगा में जाके गंगा जी का पूजा करते थे, आ भगवान का नाम करते थे। ये तो विदेशी नहीं है, लेकिन विदेशी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये गंगा जी का पूजा करे, भगवान के ऊपर विश्वास है, बड़ा सत ऑनेस्ट है, किसी भी हालत से अपना गुजारा कर लिया करते थे, जो कमाते थे उसका आधा गंगा जी का पूजा में, आधा में कुछ दूसरा भी सेवा है, उसका बाद बाकी अपना शरीर को पोषण करने के लिए यूज करते थे ना। ये जो शिवास है, इनके साथ गौरंग मापो निमाय कितना मजा किया बोलो, किया ना? रोज महाप्रभु बाजार में जाते थे और थोर मोचा मतलब केले का फूल सब उन्हीं का पास, पत्ता उन्हीं का साथ खरीदते थे और उसका साथ रोज लड़ाई है, इसी दम में देना, नहीं ये दम में होगा नहीं देना पड़ेगा, इसी दाम में देना पड़ेगा, ना हम लेंगे, ना छोड़ो नहीं देंगे। महाप्रभु पकड़ते थे और शिवा सीधर खींच लेते, नहीं हम दे नहीं सके, रोज तुम्हारा साथ लड़ाई, दूसरा दुकान पे जाओ। महाप्रभु बोलते थे, मैं अपना सप्लायर जुगानदारी चेंज नहीं करते, ऐसा मजाक करते थे महाप्रभु। लेकिन तभी तक शिवा एक खोला भाई तो सीधर को पता ही नहीं था यही भगवान। तब तक देखो इतना अनुकूल है, इतना बड़ा, लेकिन इनको भी पता नहीं था ये साक्षात भगवान है। जब गंगा का बारे में कहते थे महाप्रभु, अरे तेरा गंगा का महिमा तो मेरे से ही है, अरे ऐसा बोलने से तुम्हारा शर्म नहीं होता, डर नहीं है, गंगा है क्या डरे बोल तो है। लेकिन फिर भी खोला बाजा सीधर को पता नहीं था कि यही है वही भगवान परात्पर कृष्ण।
तो भगवान का महामाया के द्वारा प्रताड़ित होता है बाहर का आदमी, और महा और जोग माया के द्वारा ऐसा लीला में डूब जाते हैं भक्तों लोग। लेकिन बाद में जब शिवा संगन में अष्टपोहर ना 24 पोहर जो लीला प्रकट किए, हर भक्तों को दर्शन दिए कि मैं ही हूं वो, तब खोला बेटा सीधर को जब बुलाया, खोला बेटा इधर आके देखे, वही मेरा, वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण का लड़का जो मेरा साथ रोज बहस करते थे, केले फूल मूला ये सब लेके लड़ाई, वही है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, जब तक भगवान का सब प्रकाश तथा शक्ति आपका ऊपर कृपा न कर दे, तब तक आपको दर्शन कर भी करने के बावजूद नहीं दर्शन का मुताबिक, दर्शन करने का बाद भी नहीं दर्शन का मुताबिक, क्योंकि वो इसमें तात्विक दर्शन होने से दर्शन होता है। वैष्णव का बारे में भी ऐसा है, वैष्णव का बारे में भी ऐसा है, जैसे हमारा गदाधर पंडित जी मुकुंद जी ने बताए, एक वैष्णव आए हुए हैं, चलो देखने, पहले चलो खूब चलो, अब दर्शन करने गए, इनका नाम है कौन, पुंडरीक विद्वानी। गदाधर पंडित जी ने नित्य पार्षद है भगवान का, राधा रानी है, इनके तरफ से कोई गलती होने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन ये जोग माया का एक अरेंजमेंट है। गदाधर पंडित जब इनके दर्शन के लिए गए तो इन्होंने हैरान हो गया, बोले कौन सी साधु है रे बाबा, है इतना कीमती धोती है, मखमल का चादर है, ऊपर में सामियाना है मतलब चांदवा है, है और पान पान खाते खाते अपना ओठ को लाल बना दी, कभी कभी अपना पानों का जो पानी जो है वो फीक रहा है सोने का डब्बा में, आई बात समझ में, सोने का डब्बा है इसमें डाल रहा है, पिगदानी जिसको बोलता है, और इसका जो अप्लायंसेस देखकर, इसका सोने का अंगूठी चेन है गले में, और हेयर चूल बाल जो है बैक ब्रश है वो भी सुगंधित तेल के द्वारा वासित है, चंदन तेल, और सोने का बादाम है, वो देखने में जैसे जमात है सोने लॉ। गदाधर पंडित देखे उसका थोड़ा भक्ति शिथिल हो गया, बोले क्या नहीं आया तो अच्छा हुआ, आया तो देखो क्या ये सब देखा, क्या कर रहा है, विषय है, संपूर्ण विषय है, बस ये लीला किया गदाधर पंडित, अपराध करने का लीला किया। और मुकुंद को समझ में आ गया कि ये वैष्णव का बाहरी दर्शन, बाहरी कपड़ा चुपड़ा ये सब देख के ये पुंडरीक विद्यानिधि को पहचान नहीं पाए, इसीलिए इन्होंने एक कीर्तन शुरू किया, बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विद्वात कनक विषम वैयंती अंशमालम रंधानो वेन रुदर सुदया पुरायनो गोप बिंदुई बिंदा रन्नम सपदर मनम। इनके साथ साथ इस श्लोक के साथ साथ इन्होंने अपना बेड स्टेट, अपना जो पालंग पालंक है उससे अछाड़ खा के नीचे गिर गया, अरे कृष्ण कहा गया बोल के अपना कपड़ा को फाड़ दिया, बाल एकदम इधर उधर बिखर गया, पिगदानी नीचे गिर गया, और मिट्टी में धूली 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 और आंसू। तब गदाधर पंडित को पता चला, मैंने तो भगवान गलती कर दी, ये तो इतना बड़ा भक्त है लेकिन बाहरी इसका जो बाहरी व्यवस्था देखे तो मैं इनको गलत समझा, मेरा अपराध हो गया।
गदाधर पंडित लीला किया, गदाधर पंडित लीला किया, ऐसा बहाना किया ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। एक बाबा जी महाराज वृंदावन में रहते थे, इनका नाम क्या है, वो स्वरूप दास बाबा जी, मैंने भक्ति मंडल कहते थे सिद्ध महात्मा है, लेकिन गौड़ियों में आया, गौड़ी पत्रिका में बहुत दिन पहले प्रभात का समय, इन्होंने क्या कि भक्ति विनोद ठाकुर का गले में कोई तुलसी का माला नहीं है, हाथ में जप का माला नहीं है, तिलक ने कुछ नहीं है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को गलत समझा, उल्टा समझा, कहाँ का आया रे, ना तो दीक्षा ना तो माला ना तो कुंठी माला कुछ नहीं है, बड़े बड़े बात करता है, ऐसा करके भक्ति विनोद ठाकुर के चरण में अपराध कर डाला, कर डाला। बाद में भक्ति विनोद का ठाकुर जी के चरण में क्षमा मांगा, आप क्षमा करें, मैंने गलत समझा, आपका तिलक माला कुछ देखा नहीं, कहां का वैष्णव है, हमने गलती कर दिया, हमको क्षमा करें आपका। देखो ऐसा भक्तिमंत को जिसको सिद्धो महात्मा कहते थे, भक्तिमंत को जिसको सिद्धो महात्मा कहते थे, ये भी कोई गलती करने का कोई चांस है तो नहीं, परीक्षित महाराज का कोई गलती करने का चांस है, जो शांतिपुर में बताया मैंने, चांस नहीं, फिर भी जोग मैं ऐसा कराया ताकि हम लोग सावधान हो जाए, ये सिद्ध महात्मा और परीक्षित महाराज जैसा ये लोग भी थोड़ा लपड़े में फंस सकता है, गलत गुरु वैष्णव का अचिंत, ये जोगमाया के द्वारा और जड़ जगत का आदमी महामाया के द्वारा प्रतारित होकर, महामाया के द्वारा प्रतारित होकर गुरु वैष्णव के बारे में कुछ नहीं जान पाते, और ये लोग, ये जो हमने उदाहरण दिया, ये जोग माया के द्वारा अरेंजमेंट है, परीक्षित महाराज गलत नहीं कर सकता, संभव नहीं है। इसलिए अधिकार का भेद का अनुसार सब होता है। सिर्फ इतना ही फर्क है, सो अधिकारी का भेद, अधिकारी आदमी का संस्कार का भेद का अनुसार, अधिकारी व्यक्ति का संस्कार का भेद का अनुसार गोलोक दर्शन का गोति भी ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता भेद। इसमें सूक्ष्म तत्व ये हैं, गोलोक जैसे शुद्ध तत्व, गोकुल भी ऐसा शुद्ध, संपूर्ण मल सुन्न, मैल संपूर्ण मैल सुन्न होके भी जोगमाया के द्वारा, जोगमाया का चित शक्ति का द्वारा जगत प्रपंच में प्रकट हुए हैं। प्रकट और अप्रकट विषय में कुछ मात्र माइक मल हेयता व असंपूर्णता नहीं है। समझा, भले सूक्ष्म तत्व का दर्शन का मुताबिक गोलोक जैसे शुद्ध तत्व, गोकुल भी ऐसे शुद्ध संपूर्ण मैल सुन होके भी जोग माया चित शक्ति के द्वारा जड़ जगत में प्रकट हुए है। प्रकट और अप्रकट विषय में इतना ही फर्क है, जे माइक बल बाहेवता असंपूर्ण इनकम्प्लीट भाव दोनों में एक में भी नहीं है, केवल इतना ही है, दृष्टि जीवगण का अधिकार का अनुसार उसमें कुछ कुछ पृथक रूप में प्रतीति होता है। मल हेतु उपाधि माया अविद्या अशुद्धता फलगुत्व तुच्छत्व स्थूलत्व केवल दृष्टि जीव का जर भावितो चक्षु बुद्धि मन ओ अहंकार निष्ठ है,
किंतु दृश्य वस्तु का निष्ठ नहीं है, अतः भगवत निष्ठ नहीं है। जो जितना दूर तक तत्त दोष शून्य वो सब चीजों का बारे में दोष शून्य हो पाया, वो उतना तक शुद्ध तत्व दर्शन में समर्थ है। माने जिनके जिंदगी में दर्शन का जितना दोष शून्यता हुआ है, उन्होंने उतना ही विशुद्ध तत्व का दर्शन करने में समर्थ हो जाए। शास्त्रों में जो तत्व प्रकाशित हुआ है ये मैल सुन अर्थात कोई कंटेमिनेशन नहीं है, केवल तदालोचक ये आलोचना करने में बैठे हुए व्यक्ति गणों का निकट प्रतीति समूहों तत्त अधिकार के क्रम के अनुसार मलयुक्त मल सुन्न होता है रहता है और कुछ नहीं। सो श्री रूप सनातन का सिद्धांत विचार का अनुसार जितना किस्म का लीला गोकुल में प्रकटित हुआ है होगा हुआ था ये समस्त समाहितो और माइक गंध शून्य भावे गोलोक वृंदावन में विराजमान है। आप समझा नहीं, शिल रूप सनातन का विचार का अनुसार जितना किस्म का लीला गोकुल में प्रकटित हुआ है होगा हुआ था ये सारे समस्त समाहितो विथ फुल मेडिटेशन मान विषय छोड़ के ये समस्त ही समाहितो ओ मायागंधो शून्य भाव में गोलोक में हर वक्त विराजमान है। सो पारकीय भाव अगर वृंदावन गोलोक वृंदावन में पारकीय भाव इटर्नली प्रेजेंट है, अगर पारकीय भाव गोलोक धाम वृंदावन में नित्यकाल प्रकटित है, फिर भी सकिया तो है ही है, सकिया तो हमने प्रमाण किया, फिर भी ये गोलोक धाम वृंदावन में एक पारकीय भाव का इटर्नल एग्जिस्टेंस है। परोदार ये जो परोदार मान ले दूसरे का पत्नी, ये जो परोदार भाव ये जोग माया के द्वारा क्रिया है, ना तो आयन घोष का साथ राधा रानी का डायरेक्ट कोई संबंध है, कुछ नहीं है, ना तो कोई मिलन कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही प्रतीति है ये मेरा स्वामी है, इतना ही, बाकी जोगमाया के द्वारा वंचित जोगमाया के द्वारा रचित है लीला, जोगमाया के द्वारा रचित है और क्या करें। सो ये प्रापंचिक जगत में जब जोगमाया के जो प्रभाव है, प्रभाव के द्वारा प्रापंचिक जगत में जो ये जो ललिता सखी का स्वामी है, विशाखा का विशाखी, ये सब राधारानी का आयन घोष, सब बेकार, सब है एक वन काइंड ऑफ कंसेप्शन ओनली, इस वन काइंड ऑफ कंसेप्शन प्रतीति, अ फीलिंग, ए डायरेक्ट फीलिंग होता है कि मैं मेरा स्वामी है अब कृष्ण के साथ मिलने जा रहा हूं, बस इतना ही है। और गोलोक धाम वृंदावन में तो इस प्रापंचिक जगत में जैसे स्वामी स्त्री सब दिखाई पड़ता है, वहां तो उतना ही भी नहीं, वहां तो क्षिप भाव है, वहां कंस नहीं है कि कंस का भाव है, आई बात समझ, सिर्फ भाव विराजमान है। लेकिन भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया जो भाव इटर्नल धाम में गोलोक धाम में
इटर्नली प्रेजेंट है, नित्य उपस्थित है। जो ओरिजिनली वृंदावन में नहीं है तो ये प्रपंच में नहीं होना चाहिए, प्रपंच में नहीं होना चाहिए। तो उसमें गोलोकधाम वृंदावन पारकीय भाव है, इटर्नली प्रेजेंट टू इंक्रीज द एक्सेलेंसी ऑफ कृष्ण। कृष्ण प्रेम का जो अनोखा भाव है इसको परिस्फुटन करने के लिए ऐसा लीला किया गया। तो उस जगत में जोटिला कुटिला नहीं है, आयन घोष नहीं है, कांसो नहीं है, शिशुबल कुछ नहीं, लेकिन इन सभी का कंसेप्शन जरूर है। कंसेप्शन कंसो ने कंसो को बोल देंगे ऐसा मत करो, कंसो तो है ही नहीं। भक्ति में ठाकुर जी ने यह बताया, जो भी है गोलोक धाम वृंदावन में क्या शादी का बंधन हो सकता है? ये हंसी का चीज है। क्या गोलोक धाम वृंदावन में क्या कृष्ण गोपियों के साथ शादी करे? ये संभव नहीं। गोलोक धाम में ये सब कुछ नहीं है। गोलोक में विवाह विधि का बंधन रूप, गोलोक में विवाह विधि का बंधन रूप बंधन धर्म है ही नहीं। तो फिर क्या है? मतलब इन लोगों का तल्लक्षण पतित्व ये भी नहीं है। पति किसको बोले पति, लेकिन है जोगमा के तरह प्रकटित है, आयन घोष है, गुमुट दुर्मुट है, सब ये बाहर विचार में जोगमाया का द्वारा क्रिएटेड है। फिर तद्रूप शियो स्वरूपाश्रित गोपीदिगो का दूसरा जगह शादी होने का जो प्रसंग आता है ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो इन लोगों के लिए उपपति भाव, इन लोगों के लिए उपपति भाव, हीरो हीरोइन भाव, यह तो एक जोगमाया के द्वारा कृत है, यह तो जोगमाया के द्वारा है। सो शियो स्वरूपाश्रित गोपीगणों का दूसरे जगह शादी होने का कोई पॉसिबिलिटी है? फिर भी जब लीला इस जगत में प्रकटित होता है, वृंदावन लीला, तब उसी समय जोगमाया के द्वारा प्रकटित ऐसा कुछ भाव बैठता है जिसमें लगता है कि राधा रानी का भी स्वामी है, जोटिला कुटिला है, ये सब। लेकिन सच पूछो तो गोलोक धाम वृंदावन में ये सब विषय नहीं, लेकिन प्रकट लीला में है इच्छा करके। लेकिन प्रकट लीला में स्वामी बाबा माँ समाज दिखाई पड़ता, फिर भी इसका साथ भगवान का कोई डायरेक्टली कोई ताल्लुकात है नहीं, बिल्कुल नहीं है। सो हिसाब करके देखे तो उपवती हीरो हीरोइन भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रापंचिक जगत में प्रकट होने का बाद स्वामी पिता माता भाई बंधु ये सब दिखाई पड़ता है। ये जोगमाया के द्वारा क्रिएटेड, एक्चुअली दे आर ऑलवेज अनटच्ड बाय एनी अदर पुरुष। इन लोगों का हस्बैंड कैसे, तो ये छाया प्रतीति है। आयन घोष जिंदगी में स्पर्श तक राधा रानी को स्पर्श तक नहीं की, तो कैसे संभव? सो प्रकट लीला में प्रापंचिक जगत में विवाह विधि रूप बंधन रूप में धर्म विराजमान है, लेकिन कृष्ण ये धर्म का अतीत है। सो माधुर्य मंडल रूप धर्म माया जोग के द्वारा घटित इसी धर्म उल्लंघन करके कृष्ण पारकीय रस आस्वादन
करते रहते हैं, ये रस का उल्लास है और कुछ नहीं। इसी धर्मो उल्लंघन करके कृष्णो पारुकियों रस आस्वादन करते हैं। यही जो जोगमाया के द्वारा प्रकटित धर्म उल्लंघन लीला, यही प्रापंचिक जगत में प्रपंचाच्छादित चक्षु के द्वारा दिखाई पड़ता। रे कृष्ण क्या कर रहा है, छी छी, ये सब दिखाई पड़ता है। पर दारा अब तो काम जदुपति ही कृतवान वही युगुपस्थितम, जो परीक्षित महाराज बताए, अब तो काम जदुपति ही कृतवान वही युगुपस्थितम, ये सब दिखाई पड़ता। सो इस जगत में प्रपंच में यद्यपि प्रपंच का दास धाम का नाम का कुछ का गिरिराज जुमा किसी का स्पर्श नहीं, फिर भी ये प्रापंचिक जगत में लगता है कि सब इसका साथ जुड़ा हुआ है एक साथ। सो ऐसा मापिक बात बोलने से कोई अगर ना समझे, गोलोक गोकुल का जो विषय है अगर ना समझे तो क्या करूं। आत्मा रामोपि अरिरमत आत्मनि अवरुद्ध सौरतः, जोग माया समापृत जोग माया उपाश्रित इत्यादि जो शब्दों भाग शास्त्रों में आता है, ये जो रेमे ब्रज सुंदरी भीर जथा अर्वक स प्रतिबिभ्रम प्रतिबिंब विभ्रम, क्या बताया, रेमे ब्रज सुंदरी भीर जथा अर्वक स प्रति प्रतिबिंब विभ्रम इत्यादि शास्त्र वचन में भगवान भागवत जी महाप्रभु ने खुलासा किया गया। वहाँ बार बार बोला गया आत्मो राम आत्मा रामो उपी अरिरमत, दूसरा जगह लिखा है आत्मनि अवरुद्ध सौरत, तीसरा दूसरा जगह लिखा है रेमे ब्रज सुंदर भीर जथार्व का स प्रतिबिंब विभ्रम, अपना अपना परछाई अपना शैडो का साथ जब आदमी खेलता है। प्रतिबिंब मतलब अच्छा आईना, आईना का अंदर देखो ये तो परछाई है, आईना का अंदर में अपना ही प्रतिबिंब दिखा, इनके साथ खेलना और कृष्ण का रासलीला खेलना एक ही बात है। बच्चों के द्वारा ये सब खेलकूद छोटा सा ये जो खेलकूद मजा करते हैं ये सब लिखा हुआ है। अपना प्रतिबिंब के साथ दर्पण में जैसे खेला करता है बच्चा लोग, ऐसा ही है भगवान का लिए कोई दोषदायक बिल्कुल है ही नहीं। तो फिर क्यों दरकार था ये जो पारुकिया पारुकिया भाव परकिया परकिया पर इसका क्या दरकार था? इसका दरकार इसलिए है कि सकिया भाव में प्रेम का गाढ़ा भाव होना संभव नहीं, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। जब एक सुदुर्लभ वस्तु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिले तो क्या करूं, ये सब जो चीज आता है उसमें थ्रिल होता है, थ्रिल अर्थात तो इंक्रीज टेस्ट सिर्फ परकिया भाव के द्वारा लीला का पुष्टि आकर्षण का ट्रिमेंडस भाव इसको जागरूक करने के लिए ऐसा परकिया जरूरी है। इट्स वन काइंड ऑफ कैटलिस्ट। सो परकिया भाव रोने से परकिया भावे हुए रसेर उल्लास लिखा हुआ है चैतन्य चैतन्य में, परकिया भावे हुए रसेर उल्लास। परकिया भाव, अरे कब हमको मिलेगा, कब हमको दर्शन मिल सकता है, इसका रियलिटी है। चारों ओर से रुकावट है, एक तो घर का पिता माता भाई बंधु समाज संसार, दे आर ऑल अगेंस्ट, ऐसा
अगर देख ले, अगर वो लोग देख ले कृष्ण का साथ हमारा कुछ ऐसा वैसा है संबंध, तो वो लोग चर्चा निंदा चुगली करेगा सबका। यद्यपि भागवत जी महापुराण में लिखा है, कृष्ण स्वयं बोला न पारे अहम निरबद्ध संयुजम विबुदायुषा पिब जा मा अभजनो दुर्जनो गृह श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतियातु साधुना। इसमें भगवान स्वयं स्वीकार किया है, तुमको देने का कुछ नहीं है मेरा पास, कुछ नहीं है मेरा पास साफ। अब अपने ही जो महिमा है इनके द्वारा ही आप संतुष्ट रहे, हमारा कुछ देने का नहीं है, हमारा पास देने का कुछ नहीं है। सो स्वकीय अभिमान में भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं, स्वकीय जो एक फीलिंग है, स्वकिया अपना पत्नी भाव, ये स्वकीय अभिमान में रस का अत्यंत दुर्लभता, द रियलिटी ऑफ द रस कैन नॉट गेट फुलफिल्ड, पूर्ण हो गए। इसीलिए अनादिकाल से गोपीगणों का निसर्ग, एक निसर्ग ऑटोमेटिक नेचुरल भाव है परोक्य अभिमान, ये रस पुष्टि के लिए, एट द सेम टाइम ये परोक्य है नहीं फिर भी है गोलोक में, ये परोक्य भाव नित्य विराजमान है। सो ये जो उपपत्ति का अभिमान है ये तो खराब है समाज में, लेकिन फिर भी खराब नहीं। शकियार पूर्वक वंशी प्रिय सुखासर जो रसादि, ये सब जो गोलोक में नित्य सिद्ध हो माइक प्रत्ययर अतीत रसपीट, सो वहाँ इसी प्रकार का अभिमान जे जन्म जहाँ बोल रहे हैं, ये शिव का रसपति नंदो जसोदमा का प्रत्यक्ष है, लेकिन जन्म व्यापार नहीं है, नंदो जसोदा है, जन्म का अभाव में नंदो जसोदा का पितृमातृत्व अभिमान, जन्म नहीं है कृष्ण का, फिर भी जन्म का बहाना करता है, इसलिए पिता माता का पितृमातृ अभिमान जो है वस्तुत रूप में है ही नहीं, अभिमान मात्र विराजमान। जयति जनो निवासो देवकी जन्म बाधा इत्यादि श्लोकों के द्वारा भागवत ये प्रमाण है, रस सिद्धि का लिए वही अभिमान नित्य विराजमान है जगत में, रस पुष्टि का लिए रस सिद्धि का लिए सिंगर रस में भी ऐसा पारकीय भाव उपपत्तित्व उपपत्ति का अभिमान मात्र नित्य विराजमान है, लेकिन इसमें कोई दोष बोल के कुछ नहीं है, ये एक अनोखा लीला है, ये दोष कुछ नहीं है। एवं किसी भी शास्त्रों का विरुद्ध भी नहीं होता कृष्ण के लिए, क्योंकि तमाम विरुद्ध विषय तमाम, लेकिन क्योंकि तमाम विरुद्ध विषय, लेकिन तमाम विरुद्ध विषय कृष्णों के लिए एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट बन जाता है, कृष्णों के लिए एक एप्रोप्रिएट, और बाकी किसी के लिए नहीं है, बाकी किसी के लिए बिल्कुल नहीं, बाकी कृष्णों के लिए एक परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर में तमाम विरुद्ध गुणावली कैन गेट एडजस्टेड प्रॉपरली, अर्थात ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट। तो परात्पर अग्रेश्वर भगवान के लिए कोई विरुद्ध कुछ नहीं है। इस बारे में बाद में चर्चा हो पाएगा, और इस विषय में
बड़ा इम्पोर्टेंट है, शास्त्र में लिखा हुआ है नौ जातु ब्रज देवी नाम पति भी सहो संगम। शास्त्र में बोला जाता है कभी भी ब्रजगोपी का साधा ब्रजगोपी के साथ इन लोगों का पति स्वामियों का कभी संयोग हो नहीं पाया। जीव गोस्वामी बात टीका में लिखा है ऐसा। तत्ताचार्य रूप गोस्वामी पाल लिखा है उज्जवल रस नायक दो प्रकार, बाद में ये सब चर्चा करेंगे। शिव जीव गोस्वामी पाल जी बात नौ जातु ब्रजो देवी नाम पति भी सहो संगम। रूप गोस्वामी पाल बहुत सारी चीज लिखा है। अब नित्य गोलोकधाम वृंदावन में एक चीज है, जब भी गोकुल और गोलोक में कोई भेद नहीं फिर भी भेद है, और भेद नहीं है फिर भी भेद है, और रस पुष्टि के लिए इच्छा करके पार्थिव भाव नित्य काल विराजमान है गोलोक धाम वृंदावन में, और नित्य विराजमान है। आज यहां तक चर्चा को विश्राम रखें, विश्राम दे, क्षमा करें। और कृष्ण भक्ति रसो भविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभते तत्र लोल्लमोपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतोर न लभते वांछा कल्पतरुषे के पासिंदु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो।